हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। बॉलीग्रैड के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आपके इस वीडियो को लेकर अगर कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम आपको उन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा की, जो कि थिएटर्स में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और धमाल मचा रही है। 2018 की आखिरी फिल्म सिम्बा भी रिलीज हो गई है। रणवीर सिंह इस फिल्म के सबसे बड़े आकर्षण हैं, जिनकी इस वर्ष रिलीज हुई पद्मावत 300 करोड़ क्लब में शामिल हुई। रणवीर अब बड़े सितारे बन गए हैं और अपने नाम के बल पर थिएटर्स में भीड़ जुटा लेते हैं। रणवीर के अलावा रोहित शेट्टी भी सिम्बा से जुड़ा बड़ा नाम है। लगातार हिट देने के कारण वो रोहित शेट्टी से रोहित शेट्टी बन चुके हैं। दर्शकों की नब्ज की रोहित को अच्छी पहचान है और दर्शक भी रोहित का नाम होने से मनोरंजन की उम्मीद लेकर सिनेमा घरों में जाते हैं। सिम्बा का ट्रेलर खास पसंद किया गया था। फिल्म के दोनों कलाकार रणवीर और सारा अली खान लोकप्रिय हैं। रोहित शेट्टी भी बड़ा नाम है। ये सब पर्याप्त कारण है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग ले। सिम्बा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन में भी शुरुआत धांसू है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में फिल्म की ओपनिंग बेहतरीन है। पहले दिन की आंकड़े की बात की जाए तो फिल्म ने 20 करोड़ 72 लाख का कलेक्शन किया है। इंडिया में दो तरह के दर्शक वर्ग माने जाते हैं। एक होते हैं मास, जो सिंगल स्क्रीन में मसाला फिल्म देखना पसंद करते हैं। उन्हें थोड़ा रोमांस, थोड़ी कॉमेडी और थोड़ी मारधाड़ चाहिए होता है। दूसरे वर्ग है क्लास, जो मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखते हैं और उनकी पसंद थोड़ी हटके बनी फिल्मों में होती है। इन दिनों क्लास के लिए ज्यादा और मास के लिए कम फिल्में बनती हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्स की टिकटें दर महंगी है और मुनाफा ज्यादा होता है। समय समय पर मास के लिए फिल्में बनती रहती हैं, जैसे वांटेड, राउडी राठौर या सिंघम। दरअसल मसाला फिल्म बनना भी आसान नहीं है, क्योंकि मसालों का संतुलन सही ना हो तो स्वाद बिगड़ जाता है। पिछले कुछ सालों में मसाला फिल्म बनाने में रोहित शेट्टी माहिर माने जाते हैं। गोलमाल सीरीज के रूप में उनकी हास्य और एक्शन फिल्मों के रूप में सिंघम सीरीज की फिल्में काफी पसंद की गई हैं। अब वो सिम्बा लेकर आए हैं। पुलिस अफसर के रूप में चुलबुल पांडे यानी कि दबंग भैया और सिंघम यानी कि सिंघम काफी पसंद किए गए थे। इनको मिला जुला कर बनाया गया है सिम्बा। अब बात करते हैं बॉलीवुड के बाहुबली यानी कि प्रभास की, जो अपने आने वाली एक्शन फिल्म के लिए काफी चर्चाओं में है। प्रभास की अगली बड़ी फिल्म साहो एक त्रिभाषी फिल्म है, जिसमें अभिनेता दमदार एक्शन पैक अवतार में नजर आएंगे। प्रभास जो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के बाद एक जाना पहचाना नाम बन गए हैं, अब वो साहो के साथ बॉलीवुड में शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड के विपरीत साहो को डब नहीं बल्कि हिंदी सहित 3 अलग अलग भाषाओं में शूट किया जाएगा। ये प्रभास की पहली बॉलीवुड फिल्म होगी और दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक है। भारत में सबसे अधिक चहेते हीरो में से एक है प्रभास। प्रभास के प्रशंसक देश भर के साथ साथ दुनिया भर में फैले हुए हैं। बाहुबली स्टारर ने अपनी फिल्म बाहुबली द बिगनिंग की रिलीज के बाद लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली और बाहुबली का दूसरा भाग प्रभास को और अधिक लोकप्रियता और स्टारडम हासिल करवाने में मददगार साबित हुआ। अब बात करते हैं बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त, जो बैक टू बैक आने वाली बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आने वाले हैं। सजा काटने के बाद संजय दत्त एक बार फिर फिल्मों में व्यस्त हो गए हैं और 2019 में तो उनका ही बोलबाला रहेगा। उनकी एक दो नहीं बल्कि आधे दर्जन फिल्में रिलीज हो सकती है। संजय दत्त ने कलंक, तुलसीदास, प्रस्थानम फिल्मों की शूटिंग इस वर्ष नवंबर में खत्म कर दी है। अब वो शमशेरा की शूटिंग कर रहे हैं। शमशेरा के बाद संजय दत्त पानीपत की शूटिंग करेंगे। इसके लिए वो गंजे होंगे। इसकी शूटिंग मार्च तक चलेगी। फिल्म के दूसरे शेड्यूल के लिए वो मेक ओवर भी करेंगे। शमशेरा और पानीपत की शूटिंग अगले वर्ष के मध्य तक खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 की शूटिंग शुरू करेंगे। ये स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल होगा। संजय अब इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आमतौर पर संजय क्रिसमस और नया साल पत्नी मान्यता बेटी इकरा ये कहकर सनसनी फैला दी कि वो अपने स्टंट्स के लिए बॉडी डबल का उपयोग नहीं करेगी बल्कि खुद ही स्टंट परफॉर्म करेंगी। दिशा की ये हिम्मत देख सभी चौंक गए, लेकिन निर्देशक के लिए इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है कि उसका कलाकार खुद स्टंट करे। इससे दृश्यों में वास्तविकता बढ़ जाती है। दिशा पाटानी को जो सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं वो देखकर हैरान रह जाएंगे कि दिशा लगातार ट्रेनिंग सेशन के अपने फोटोज और वीडियोज पोस्ट कर रही हैं। ये सब तैयारी सलमान वाली फिल्म भारत के लिए ही हो रही है। दिशा सारे स्टंट्स खुद करेंगी। उनके लुक्स और डांसिंग स्किल से प्रभावित फैंस दिशा के
वॉशबोर्ड एप्स और परफेक्ट फिगर को देखकर भी दंग है। दिशा की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिशा की दो लगातार फिल्में एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और बागी 2 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई हैं। अब वो भारत जैसी बड़े बजट की फिल्म कर रही हैं जिसमें सलमान जैसे स्टार्स मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11 जनवरी 2019 को रिलीज होने वाली फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अनुपम खेर ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है। ये फिल्म एक कॉन्ट्रोवर्शियल बुक जो इसी नाम पर अनुपम खेर की फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। फिल्म में अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। खेर ने एक मैसेज के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा था कि प्यारे ऋषि जी, आप एक महान और रोचक बात करने वाले आदमी हैं। आपके साथ भारत और न्यूयॉर्क के बारे में बात करना अच्छा लगा। आपके साथ फिल्मों की बारीकियों के बारे में बात करना भी अच्छा लगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अनुपम खेर की फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अनुपम खेर की हालिया फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विवादों का केंद्र भी बन चुकी है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फिल्म के सीन्स पर आपत्ति जताई है। फिल्म मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर बनाई गई है। ट्रेलर में जो दिखा है उसके आधार पर ये नजर आता है कि सब रंग की पिछली सरकार तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार की कठपुतली थी। गुरुवार को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया था। इस बीच शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म की पटकथा को लेकर पूछे गए एक सवाल पर अनुपम खेर असहज हो गए। एक्टर से पूछा गया कि ये फिल्म एक किताब पर बेस्ड है, लेकिन संजय बारू प्रधानमंत्री कार्यालय में अक्टूबर 2005 तक ही थी। ट्रेलर में एक जगह राहुल गांधी ऑर्डिनेंस फाड़ते दिख रहे हैं, तो इसके अंदर कितना तथ्य है और कितना फिक्शन, क्योंकि राहुल गांधी ने 2013 में ऑर्डिनेंस फाड़ा था। जवाब देते हुए अनुपम खेर ने कहा, आपने फाड़ते देखा था कि नहीं देखा था? ये हिस्ट्री है जिसे आप सभी ने दिखाया था। आप लोगों ने उसे हाई स्पीड में फाड़ते हुए दिखाया था। आप लोगों को नहीं पता कि वो फिल्म में कैसे आया। फिल्म देखिए, ट्रेलर देखकर हम पिक्चर पर कमेंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान। 27 दिसंबर को सलमान खान ने मुंबई स्थित पनवेल के फॉर्म हाउस में अपना 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। दबंग खान की पार्टी में कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए थे, लेकिन एक्टर के जिगरी दोस्त शाहरुख खान और आमिर खान पार्टी में नजर नहीं आए। रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म सिम्बा के बारे में, मतलब ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है और फिल्म का वीकेंड कलेक्शन कहां तक जाएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप लोगों को आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म सिम्बा, जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और ये मूवी 28 दिसंबर 2018 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और लोग इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और दोस्तों, इस फिल्म में रणवीर सिंह के ऑपोजिट नजर आएंगी सारा अली खान, जो कि पहले ही फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है और जिनकी एक्टिंग की काफी सराहना भी हुई है। दोस्तों, वहीं इस फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज हो चुके हैं जो काफी पसंद किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिम्बा तेलुगु फिल्म टेम्पल का हिंदी रीमेक है जो कि काफी हिट रह चुकी है, जिसमें जूनियर एनटीआर ने एक्ट किया था। दोस्तों, सबसे पहले इस फिल्म का गाना आला रे आला सिम्बा आला रिलीज हुआ, जो आते ही जबरदस्त हिट हुआ था, जिसने आते ही इस फिल्म के हिट होने की ओर इशारा किया था। इस गाने में रणवीर सिंह अपने हर गाने की तरह काफी एनर्जेटिक डांस करते नजर आए और इस गाने ने सिंघम के टाइटल सॉन्ग की यादें ताजा कर दी। दोस्तों, वहीं इसके बाद रणवीर सिंह की इस फिल्म का दूसरा गाना रिलीज हुआ था और ये गाना भी काफी पसंद किया गया। सिंघम फिल्म का रीमेक कही जाने वाली सिम्बा, इस फिल्म में एक पुराने हिट सॉन्ग को फिर से रिक्रिएट किया गया था और ये सॉन्ग था आंख मारे, जो कि 1996 में रिलीज हुई फिल्म तेरे मेरे सपने का रिक्रिएट वर्जन है। दोस्तों, वहीं ये फिल्म अमिताभ बच्चन प्रोडक्शंस की पहली फिल्म थी और ये गाना अरशद वारसी पर फिल्माया गया था। अब इस गाने को मिका सिंह ने गाया है और गाना हिट भी हो चुका है। दोस्तों, इस गाने में कुमार सानू की वॉइस भी ऐड की गई है और ये एक ऐसा गाना है जिसमे सभी एक्टर्स मस्ती करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सिम्बा की आंख मारे गाने में गोलमाल सीरीज के सभी स्टार कास्ट, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू भी डांस करते नजर आए।
और उन्होंने अपने डांस मूव्स में 5 का साइन बनाते हुए ये भी बता दिया है कि गोलमाल 5 भी बनने जा रही है। जी हाँ, इस बात की ओर उन्होंने इशारा किया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के तीसरे गाने की, तो वो भी एक पुराने हिट सॉन्ग का रिक्रिएट वर्जन है और तीसरा गाना तेरे बिन है, जो कि एक रोमांटिक गाना है जिसमें नुसरत फतेह अली खान के हिट गाने तेरे बिन को रिक्रिएट किया गया है और जिसका रिक्रिएट वर्जन राहत फतेह अली खान ने गाया है, जो कि हिट हो रहा है। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो ये एक अनाथ बच्चे की कहानी है जो बड़ा होकर बाजीराव सिंघम की तरह पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन वो बड़ा होकर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर बनकर पैसे कमाने चाहता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जब उसकी मुंह बोली बहन का रेप हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो फिर वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बनकर करप्शन को खत्म करके सारे गैंगस्टर्स को मारने की कसम खा लेता है। और दोस्तों, फिल्म में आगे वो किस तरह गैंगस्टर को खत्म करता है, ये सभी फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने जबरदस्त एक्शन किया है और इस फिल्म में उनके अलावा सोनू सूद, आशुतोष राणा और अजय देवगन भी नजर आएंगे। जी हाँ, इस फिल्म में अजय देवगन कैमियो रोल करते नजर आएंगे। अब जनाब, फिल्म सिंघम का सीक्वल बनने जा रहा है, तो अजय देवगन का होना तो बनता है, भले ही छोटा सा कैमियो रोल क्यों ना हो। दोस्तों, वही सिम्बा फिल्म के ट्रेलर और गानों को जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। और हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म तो दिल था जो की 21 दिसंबर 2018 अगर कहानी की बात करें तो कहानी ज्यादा कुछ बताकर मजा खराब नहीं करेगी। और बात करें सिम्बा की, तो इसका फायदा फिल्म को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि ये फिल्म साल की सबसे आखिरी फिल्म है जिसे लोग देखने जरूर जाएंगे, क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्मों की अपनी एक अलग ऑडियंस है। दोस्तों, वहीं सिम्बा के कलेक्शन की बात करें, तो ये फिल्म साल की सबसे बड़ी ओपनिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म बन सकती है और अभी तक इस साल का सबसे ज्यादा ओपनिंग कलेक्शन करने का रिकॉर्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम है। जी हाँ, हालांकि फिल्म फ्लॉप साबित हुई और कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन सबसे ज्यादा फर्स्ट डे कलेक्शन देने वाली फिल्मों में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने अपना नाम नंबर फर्स्ट पर कर दिया है। और दोस्तों, वहीं अगर बात करें सिम्बा के फर्स्ट डे कलेक्शन की, तो दोस्तों ये फिल्म 50 से 60 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है। और जिस तरह से रणवीर सिंह ने अपनी ब्लॉकबस्टर बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी बेल, गुंडे बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और रामलीला जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से ऑडियंस को एंटरटेन किया है और पब्लिक के बीच अपनी इमेज एक सुपरस्टार और बॉलीवुड के टॉप एंटरटेनर के रूप में साबित की है, तो दोस्तों उससे तो यही लगता है कि सिम्बा अपने वीकेंड तक 200 से 250 करोड़ तक का कलेक्शन कर लेगी। और रोहित शेट्टी की फिल्मों की अपनी एक अलग ही ऑडियंस है, ये कौन भूल सकता है भला, जो साल भर रोहित शेट्टी की फिल्मों का इंतजार करते हैं। दोस्तों, सिम्बा को सिंघम फिल्म का सीक्वल माना जा रहा है और सिंघम फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया था। और वहीं एक तो ये फिल्म सिंघम का सीक्वल है और दूसरा ये रोहित शेट्टी की फिल्म है और तीसरा इसमें रणवीर सिंह है, तो बस इन तीनों का तड़का इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी हिट बनाने में काफी है। दोस्तों, सिम्बा फिल्म में रणवीर सिंह का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा और जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आखिर जनाब ने इतनी ट्रेनिंग जो ली है, तो दोस्तों एक्शन देखना तो बनता है। दोस्तों, वहीं ये फिल्म अगर बात करें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी साल की सारी फिल्मों को पछाड़ सकती है। साल 2018 में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में रेस 3-0 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप साबित हुई हैं। और अब इस साल धमाल मचाने का काम रणवीर सिंह कर सकते हैं। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी अगर बात करें तो सिम्बा कम से कम 1000 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है और सिम्बा साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म भी बन सकती है, क्योंकि सिम्बा एक ऐसी फिल्म है जिसके साथ कोई और फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही है और ये फिल्म साल के आखिर में रिलीज हो रही है और इस समय पड़ने वाली छुट्टियों का फायदा भी इस फिल्म को मिल जाएगा और जिसका फायदा होगा कि ये रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर पाएगी और सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बन जाएगी। दोस्तों, रोहित शेट्टी की हर फिल्म में
चाहे वो कॉमेडी हो या फिर एक्शन फिल्म। वो 100 करोड़ क्लब में अपना नाम शामिल कर ही लेती है और उनकी कॉमेडी फिल्म में गोलमाल सीरीज हो या एक्शन फिल्मों में सिंघम जैसी फिल्में, इन सभी फिल्मों को आप एग्जाम्पल के रूप में देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, क्या रोहित शेट्टी अपनी फिल्म सिंघम की तरह इस फिल्म के एक्शन से भी लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे या नहीं, और बॉक्स ऑफिस पर फिर से दमदार कलेक्शन करके अपना और रणवीर सिंह का दबदबा बॉलीवुड में कायम रख पाएंगे या नहीं? क्या रणवीर सिंह सिम्बा फिल्म से साल 2019 में अपनी लगातार सुपरहिट फिल्मों का दौर जारी रखने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? और क्या रणवीर सिंह अपनी इस फिल्म से 40 से 50 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन दे पाएंगे या नहीं? और वहीं साथ ही साथ 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके 2018 में मोस्ट वांटेड खान यानी कि सलमान खान की टाइगर जिंदा है का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल करना है, जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोल चुकी हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। और साथ ही साथ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।